गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 प्रकाश द पीकॉक। ओके, सो लेट्स, यस्टरडे हमने देखा था, लेट्स ट्राई 1 मींस क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए थे आपको। नेक्स्ट है लेट्स ट्राई 2 ट्रू और फॉल्स। देन थर्ड टॉपिक है हमारा लेट्स ट्राई 3 फोनिक वर्ड्स। ओके, फोनिक वर्ड्स में हम देखेंगे बॉजी आर मींस द लेटर आर लाइक टू बॉज ओवर वोवेल्स एंड टेल देम द व्हाट टू से especially the vowels e i and u। so last yesterday हमने इसके पहले वाले वीडियो में first chapter में इंग्लिश के आपको मैंने vowels बताया था कि means कितने vowels होते हैं, how many vowels, yes you know how many vowels in their book, yes 5 vowels होते हैं, कौन कौन से बताया था मैंने आपको starting में ही, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। सो दीज आर 5 वोवेल्स ए ई आई ओ यू, स्पेशली द वोवेल्स ई आई एंड यू। स्पेशल क्या होते हैं इसमें, ई ई आई ओ यू। ओके, दिस लेटर्स क्या होते हैं, काफी इसमें हमारे यूज होते हैं, हमारे लेटर्स में यूज होते हैं। व्हेन आर स्टैंड आफ्टर देम दे ऑल हैव टू मेक द सेम साउंड। यस, क्या कहा जाता है इसमें कि आर स्टैंड आफ्टर दैट मीन्स आर का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो हमारे बाद के सेंटेंस में मीन्स लास्ट के सेंटेंस में कभी यूज होता है या बीच के मिडिल इसमें वर्ड में यूज किया जाता है। सो आर मेक देम ऑल से द साउंड ई आर। ऑल का आर का साउंड कैसे कहा जाता है आपने कभी देखा होगा, सेम दैट इज एग्जाम्पल जैसे कि डांसर, हमारा चैप्टर है प्रकाश पीकॉक में, उसकी स्पेशलिटी दिखाई गई है डांस के ऊपर। तो सो हमारा प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि डांसर डी ए एन सी ई आर, सो हमारा लास्ट प्रोनाउंसिएशन देखो क्या आ रहा है, डांसर मीन्स आर का प्रोनाउंसिएशन भी आ रहा है, उसमें ई का प्रोनाउंसिएशन भी आ रहा है। जब हम वर्डिंग बोलते हैं और सुनते हैं तो हमारे बोलने में और हमारे सुनने में क्या होता है, फर्क आ जाता है। जैसे ई हम डांस सी ई में लग रहा है तो लास्ट में हमारा प्रोनाउंसिएशन भी आर का है, जैसे डांस सर हम बोलेंगे तो आर का प्रोनाउंसिएशन आता है। सो रीड दिस वर्ड अलाउड हैंड सीट एंड ब्रश, जैसे कि देखेंगे हम ई एन का प्रोनाउंसिएशन, ओके एस एच का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग आता है, हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, उसके वर्डिंग्स अलग होते हैं, उसके मीनिंग्स अलग होते हैं। So that means now listen to how the vowels sound change when R comes in the stand after the vowels her, sir and bird means क्या लिखा गया है कि vowels के अलग अलग types जो होते हैं उनके pronunciations भी अलग अलग कहलाते हैं। So ये हम हमारे इसमें देखेंगे let's try 4 में। Okay, so examples भी हमारे ऊपर दिए हुए हैं box में, yes here are same some more words with bossy r। so e और r के words यहाँ दिए हुए हैं, vowels भी आपको यहाँ नजर आएंगे कुछ r e i means h e r d heard h i r s t y thirsty t u r and turn s i s t e r sister means mostly यहाँ word i e r का use किया गया है जिसके pronunciations भी काफी different है। okay, सो नेक्स्ट हम देखेंगे लेट्स ट्राई 4 जिसमें हमें क्या करना है, यस सर्कल द लेटर मेकिंग द बॉसी आर वर्ड्स मींस हमें बॉसी आर मींस आर के प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड को सर्कल करना है। सो हमारे पास छोटा सा यस पैराग्राफ है, हम उसे रीड करेंगे। सो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रकाश वॉज अ गुड डांसर, क्या है प्रकाश एक गुड डांसर था। ओके कैसा, शाय। ओके, सो डांसर में हमारा क्या आएगा, सर्कल आएगा। यस ऑल आर स्टूडेंट्स, मैं वर्ड्स को समझाऊंगी, यस मैं पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूंगी, प्लस आपको मैं जब सेंड करूंगी तो सो आपको आपकी बुक में सारे वर्ड्स को कौन से बॉजी मीन्स आर वाले साउंड वर्ड्स को क्या करना है, सर्कल करना है। सो वन डे ही वॉज डांसिंग बिहाइंड अ थॉर्नी बश एंड गॉट हर्ट। एक दिन क्या हुआ, प्रकाश कहाँ गया, कटीली झाड़ियों में गया। ओके, झाड़ियों में जाने
जाने के बाद उसे उस कटीली झाड़ियों से क्या हुआ, चोट लग गई। क्या हुआ, हर्ट मींस चोट लग गई। आपको जो भी मैं सेंटेंस या वर्ड उसकी मीनिंग लिखवाती हूँ, सो प्लीज आप भी आपकी बुक में उसके मीनिंग्स लिखिएगा, बिकॉज आपको जब स्पेलिंग लर्न करना होगा तो साथ ही साथ उसके मीनिंग्स को भी लर्न करके आना चाहिए। हॉर्नी बर्ड क्या होगा, कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां। यहां पर आपने देखा होगा ज्यादातर जंगलों में पाई जाती है, क्योंकि मोर भी क्या होते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। इसीलिए जब पीकॉक प्रकाश झाड़ियों में गया डांस करते करते, तो क्या हुआ उसको, वहां जाने के बाद कटीली झाड़ियों में मिस थॉर्नी बश में जाकर क्या हुआ, चोट लगी। ओके, हर्ट हुआ उसे, चोट लगी। सो ही हैड टू गो टू द स्कूल नर्स फॉर फर्स्ट एड, वह जाके स्कूल चले गया। ओके, स्कूल जाने के बाद वहां की जो नर्स थी उसने क्या किया, उसे फर्स्ट एड किया। फर्स्ट एड करना में उसकी चोट पे मरहम पट्टी को लगाना। सो शी वॉज अ वेरी फ्रीम विथ हिम, मीन्स वो कैसी थी, यस वेरी रूडली थी, उसका बिहेवियर वेरी रूड था, काफी गुस्से वाला था। सो आई डोंट केयर इफ यू आर अ डांसर आर फुटबॉल प्लेयर, क्या कहने लगी वो कि मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे तुम डांसर हो या फुटबॉल हो, फुटबॉलर हो, प्लेयर हो, स्टूडेंट बर्ड्स कैन नॉट गो फर्दर देन द प्ले ग्राउंड, मीन्स कि आज के बाद तुम वहां पर नहीं जाओगे, कहां पर डांस करने जाओगे, कहां कटीली झाड़ियों में। ओके, प्रकाश वेंट होम एंड टोल्ड हिज मदर अबाउट हर, प्रकाश क्या हुआ, गुस्से में अपने घर चले गया वापस, और जाकर उसने सारी कहानी अपनी मम्मी को शेयर की, अपनी मम्मी को बताई कि उसके साथ क्या हुआ, कि जब वह डांस करते करते जंगल की ओर जब जाने लगा तो डांस करते करते कटीली झाड़ियों में जाकर फंस गया, जिसके साथ क्या हुआ, उसे वहां पर जाकर चोट लग गई। सो चोट लगने के बाद वह स्कूल गया, स्कूल जाकर उसने क्या किया, नर्स से कहा कि मुझे चोट लगी है। सो नर्स ने बड़े ही गुस्से से आकर उसे क्या किया, फर्स्ट एड किया। ओके, और बाद में गुस्से से उसे क्या किया, स्ट्रिक्ट वार्निंग की कि आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो तुम फुटबॉलर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, या फिर डांसर हो। सो स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ वह न जाने की उसे क्या किया, यस एडवाइस किया। सो इसी बात को सुनते हुए और देखते हुए प्रकाश घर जाकर अपनी मम्मी से उसने सारी चीजों को बयां किया, सारी चीजों को बताया कि उसके साथ ये हुआ। सो हमारे पास जो वर्ड्स थे, तो हमें कौन कौन से वर्ड्स को सर्कल करना है, आर वाले वर्ड को। ओके, सो फर्स्ट लाइन में हमारा वर्ड है प्रकाश वॉज अ गुड डांसर, तो हमारा क्या होगा, आर वहां प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, डांसर में ई आर का प्रोनाउंस हो रहा है, सो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा डांसर। ओके, एंड सेकेंड लाइन में है, आप खुद मुझे बताओगे कि वहां पे आर का वर्ड कहाँ यूज हो रहा है। ओके, ये तो मैंने आपको समझाया, बट ये आपके लिए होमवर्क भी कहलाएगा। ओके, बाद में तो मैं इसे समझाऊंगी, समझाया है मैंने और आपको इसे करना है। कौन से वर्ड लिखना है हमें, आर वाले वर्ड, जहां क्या होगा, आर प्रोनाउंसिएशन होगा, जहां ई और आर का वर्ड स्पेलिंग यस यूज होगी। सो मैं आपको इसे सेंड करूंगी, बट आप इसे खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा। ओके, सो लेट्स ट्राई फाइव, क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड, कौन से वर्ड देखना है हमें, रॉन्ग वर्ड देखना है। तो हमारे पास एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आई एम थर्स्टी, सो आपके पास हर एक मीनिंग, हर एक वर्ड के टू स्पेलिंग्स दी हुई है, तो आपको इसमें से चेक करना हो, चेकआउट करना है कि कौन सी स्पेलिंग राइट है और कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, जैसे कि फर्स्ट इसमें दिया हुआ है थर्स्टी और सेकंड इसमें दिया है थर्स्ट्री, थर्स्ट्री मीन्स यस, एक होगा प्यासा और सेकंड वर्ड आपका दिया हुआ है। सो आपको इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट वर्ड आपका राइट है, मीन्स स्पेलिंग है टी एच आई आर एस टी वाई, थर्स्ट्री मीन्स प्यासा होना। ओके, और सेकंड वर्ड आपका रॉन्ग दिया हुआ, तो वो आपकी रॉन्ग स्पेलिंग कहलाएगी। सो इसी तरह आपके पास सेवन
एग्जांपल्स, 10 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा कि आप मुझे इससे क्रॉस करके बताओगे कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है और कौन सी स्पेलिंग राइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे लेट्स ट्राई 7, बट ये हम कल देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ओके, फोनिक्स में हमने देखा आर वर्ड्स, बॉजी आर वर्ड्स को, ओके उसके आर के साउंड को देखा है।